प्यारे बच्चों, आज आपको हम पाइथागोरस थ्योरम का एक टॉप प्रॉब्लम दिए हैं। इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन जरा देख लीजिए। प्रॉब्लम में आपको बोला है ओ इज द पॉइंट इन एबीसीडी रेक्टेंगल जॉइंट ईच ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है ए बी सी डी एक तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ सेंटर में नहीं है इसलिए डायगोनल इज डिफरेंस। बट थिंक इज यू हैव टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स इनफ। सो आपको कैसे करना है इसके लिए मैंने ओ पॉइंट रखे हैं। ओ से आप ई एफ लाइन ड्रॉ किया है इस ढंग से कि ए बी और सी डी का पैरल है। इन दिस केस ड्रॉ ई एफ पैरल ए बी पैरल सी डी। रेक्टेंगल ए बी सी डी इज पार्टेड इन टू रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल हो गया ए बी एफ, दूसरा रेक्टेंगल हो गया सी डी ई एफ। ओ इज द पॉइंट। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखना है, व्हेन इट इज ए रेक्टेंगल तो डी इक्वल टू सी एफ, इन द सेम टाइम एफ बी इक्वल टू ए। इट डजेंट मीन दिस एफ बी इक्वल टू सी एफ नहीं बोल रहा, एक चीज याद रखिएगा। आपको प्रूफ करना है दिस ओ बी स्क्वायर, दिस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। मैंने पहले बोल दिए हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ हमको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं ओ ई ए, यहाँ लिख दिए हैं ड्रॉ नाउ इन ट्रायंगल ओ ए ई, ओ ए ई और ट्रायंगल ओ सी एफ, ओ सी ए जस्ट हम ऐसा लिए। इसमें हम जानते हैं ओ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। देखिए मैंने वही लिखा ओ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, ओ स्क्वायर एंड सेम टाइम ओ स्क्वायर इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। मैंने वही लिखे हैं, यहाँ लिख भी दिया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Therefore, ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। दोनों को हम एड कर दिया तो मुझे ए मिला है। तो ए हम इक्वेशन टू रखे हैं, ए वाला इक्वेशन वन रखे हैं। लाइक दिस इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी एंड ओ डी ई, ओ ई डी कुछ भी है उसको भी उसी ढंग से प्रूफ किए हैं, क्योंकि ओ डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, इन द सेम टाइम ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। मैंने वही लिखे हैं तो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर को फिर एड कर दिए, ओ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, इसका इक्वेशन थ्री है। एंड नाउ ओ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, दोनों को एड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट से निकाल दिया, इसमें नहीं निकाले वो वाला हम यहाँ लिख दिए सिंपली। तो आप देखिए जब d इक्वल टू सी एफ, डी इक्वल टू सी एफ, तो जब इधर गया तो ऑटोमेटिक सेम बात हो गया ए ए इक्वल टू बी एफ, ए इक्वल टू बी एफ। तो वही चीज को यहाँ पर हम ट्रांसफर करने से मुझे मिला सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने से ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्रूफ। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले एक चीज देखना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम में ले जाना है। ले जाने से हमको मिलेगा ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर ए स्क्वायर एंड इन द सेम टाइम ओ ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर एंड ओ एफ स्क्वायर। बट वी नो दैट डी इक्वल टू सी एफ, तो डी स्क्वायर का जगह में हम सी एफ लगा सकते हैं। सेम थिंग बी एफ का जगह में ए लगा सकते हैं, वही चीज हम किए हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।